मोहम्मद जैन सईदी साहब आप तशरीफ लाए। मैं अंजमन फरोगे नात के हवाले से जुमला अहबाब की तरफ से आपको खुश आमदेद कहता हूँ। दो चार पांच अहबाब महफल से यकदम उठे हैं, वैसे उठ जाए सारे जाया करो, लेकिन कम अज कम इस अंदाज से कि महफल का जो हुस्न है वो मुतासर ना हो। एक दोस्त उठ के बाहर जाए, दूसरा मैसेज करे ओ फलां रेडी कुल खलो मैं आया, दूसरा इस तरह थोड़ी देर बाद उठ जाए, तीसरा पांच दस मिनट का वक्फा कर ले, और पिछला दोस्त जिसके आगे से कोई दोस्त उठ के जाए वो समझ जाए इसका कासा छोटा था, इसको खैरात देकर इजाजत दे दी गई है, पिछला दोस्त समझे मेरी स्टेज रसूल की तरफ तरक्की हो गई है, वो उठकर स्टेज की जानब सफर करे, खलापुर कर दे, महफल सज जाएगी, कब्र अंदर से सोनी बन जाएगी। ओ आशिक सब कुछ घट जानदा है जो जिक्र नबी विच डट जानदा है। मैं सलाम करता हूं उस आशिक को जिसको सरकार ने बुलाया भी है, बिठाया भी है और उठने भी नहीं दे रहे। अल्लाह सबकी नौकरी कबूल फरमाए। हमारे मेहमान जनाबे कलीम कैसर अब्बास नौल साहब सुवाली से आप तशरीफ लाए, खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट जनाबे गजनफर काठिया साहब आप तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा मौलाना किबला मोहम्मद अली मिठा सुल्तानी साहब आप इस महफिल पाक में तशरीफ लाए, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद। और इसके साथ साथ मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर एमपीए शोरकोट हरदिल अजीज जनाब मोहतरम अली अब्बास कमलाना सियाल साहब आप तशरीफ लाए, आपको भी वेलकम कहता हूँ। ऐसी सियासी शख्सियत के क्या कहने कि जिनकी शख्सियत सियासी हो तबीयत जिक्र मुस्तफा की प्यासी हो। अल्लाह इज्जतों की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर बगैर ही कोई लम्हा लिए अगला ऐलान भी कर रहा हूँ और इसके बाद अबू बकर की अलिफ से शुरू करूंगा। शान सिद्दीक अकबर पढ़ता हुआ अपने ऐवान में दोस्तों को सदा देता चला जाऊंगा, जो फरमाइशें हैं वो पूरी करता हुआ आखिर में इंशाल्लाह मौला अली की ये तक अपनी हाजिरी को मुकम्मल करूंगा। मैं गुजारिश करता हूँ जनाबे अदनान इकबाल साहब आपके हुक्म के मुताबिक लाहौर से तशरीफ लाए हुए मारूफ सराखाने मुस्तफा अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह ताला ले, उनका रंग लिए, उनका फैज लिए, उसी सौतो सदा के साथ अपनी हाजिरी पेश करेंगे, जिनके लिए जनाबे सैयद हसनैन सकलैन अल मारूफ हसनी सरकार कह गए। फरमाते हैं दिलबरों की बज्म से एक दिल रुबा जाता रहा, कुछ बयां करने का भी अब हौसला जाता रहा, खालिद और खुल्द में एक हर्फ का था फासला, बात सिर्फ इतनी सी है अब वो फासला जाता रहा। अल्लाह अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, सारे आमीन कहिए। गुजारिश करता हूँ जनाबे मोहम्मद जैन सईदी साहब तशरीफ लाएं, आका नेमत की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खैराज पेश फरमाएं।